नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी एडू चैनल पर। आज हम आपको स्वरचित कविता सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। तो इस कविता में मैंने आज़ादी से पहले का हाल और आज़ादी के बाद का हाल बताने की कोशिश की है, तो ध्यान से सुनिएगा इस कविता को। आज़ादी से पहले गुलाम थे हम अंग्रेज़ों के, आज़ादी से पहले गुलाम थे हम अंग्रेज़ों के, आज़ादी के बाद गुलाम है हम अपनों के, आज़ादी के बाद गुलाम है हम अपनों के। आज़ादी से पहले देश मेरा एक था, आज़ादी से पहले देश मेरा एक था, आज़ादी के बाद देश मेरा टुकड़ों में बट गया। आज़ादी से पहले देश मेरा एक था, आज़ादी के बाद देश मेरा टुकड़ों में बट गया। आज़ादी से पहले मिलकर लड़ते थे हम अंग्रेज़ों से, आज़ादी से पहले मिलकर लड़ते थे हम अंग्रेज़ों से, आज़ादी के बाद लड़ते हैं हम अपनों से, आज़ादी के बाद लड़ते हैं हम अपनों से। आज़ादी से पहले कर देते थे अंग्रेज़ों को, आज़ादी से पहले कर देते थे अंग्रेज़ों को, आज़ादी के बाद कर देते हैं हम अपने सरकार को, आज़ादी के बाद कर देते हैं हम अपने सरकार को। आज़ादी से पहले नहीं थी आज़ादी हमें बोलने की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, आज़ादी से पहले नहीं थी आज़ादी हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलने की, आज़ादी के बाद नहीं है हमें आज़ादी अपने सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की, आज़ादी के बाद नहीं है हमें आज़ादी अपने सरकार के ख़िलाफ़ बोलने की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने इस कविता को बहुत अच्छे से सुना होगा, और जो मैं कहना चाहता हूँ मैंने इस कविता के माध्यम से आप तक पहुँचाया अपने मन की बात। तो अगर आपको ये कविता पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में इसी तरह की और भी कविताएँ हम आपके लिए ज़रूर लाएँगे। धन्यवाद।